मतलब क्या था कि फिल्टर सॉर्टिंग में पहले क्या होता था अपने एक्सेल के साथ, कि जब आप कंट्रोल ए दबा देते उसका मतलब था सिलेक्ट ऑल। इनमें क्या मतलब है, ओके जब आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो करंट रीजन होता है, ठीक है जी, करंट ओके रीजन जिसमें डेटा एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है जी। जैसे अगर फिल्टर लगा दूं मैं, मुझे अभी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में गया और यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर दिया, फिल्टर लग गया, तो फिल्टर के अंदर अभी मेरी सारी वैल्यूज आएंगी, देखूंगा तो सारी वैल्यूज आ रही है, क्योंकि कंट्रोल ए पे डेटा मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। मान लीजिए फिल्टर और यहाँ कुछ डेटा नहीं है, मान लीजिए यहाँ तक, अभी भी कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये पूरा ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी, क्योंकि कनेक्टेड है इस पॉइंट से। जैसे ही आप इसको तोड़ देते हैं, अब ये डेटा फुल सिलेक्ट नहीं होगा, यानी कि आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ठीक है जी। तो किसी एक पॉइंट पे, चाहे बीच में चाहे स्टार्टिंग में, कहीं भी वो कनेक्टेड होना चाहिए, एक फ्लो लाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर फ्लो है तो उसमें आपको जरूरत नहीं है कनेक्ट करने के बीच में, मतलब कंट्रोल पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, डायरेक्ट लगाएंगे पूरे पे एप्लीकेबल होगा। और मान लीजिए आपके पास डेटा ही ऐसा आता है जिसमें गैप है काफी सारे, अभी मैं अगर फिल्टर लगाऊंगा तो क्या होगा, ये खाली मुझे उतना ही एरिया दिखाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। ठीक है जी। अगर ऐसा कभी डेटा आ जाए तो आपको क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है पहले, इस केस में आपको सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी और तब आप इसको सिलेक्ट करके फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कितना डिफरेंस होता है? जैसे अभी आपने वैल्यू पे सेलेक्ट किया, मैंने केवल कॉलम ए बी सी को जाके ए बी सी डी पे जाके सेलेक्ट कर दिया, तो इन दोनों सिलेक्शन में कोई अंतर होता है? अगर आप कॉलम से ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये नीचे तक होता हाँ है, यार, डेटा से भी नीचे तक जाता है, ठीक है जी। अच्छा। जितना एंडिंग लो होगी वो भी सिलेक्टेड होगी, पूरा पूरा कॉलम। उसमें क्या है, जब फिल्टर वगैरह लगाएंगे तो ब्लैंक भी काउंट होंगे नीचे वाले भी, ठीक है जी। अच्छा। हाँ, तो जब भी फिल्टर दिखाएंगे लगाएंगे ऐसा करके तो ये सबसे नीचे ब्लैंक्स का आएगा, ब्लैंक्स मतलब कि सारे खाली वाले, ठीक है जी। तो दिखा देगा। या तो इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी, डिलीट कर देंगे तो लगाएंगे डायरेक्ट, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन चलाएंगे यही नहीं। अब मान लीजिए मुझे सॉर्ट करना है, नेम से सॉर्ट करना और है, इसकी शॉर्टकट की क्या थी? फिल्टर लगाने की कंट्रोल शिफ्ट एल है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके। उसी से लगेगा भी हटेगा भी, और है ऑल्ट ए टी, ऑल्ट ए टी, ऑल्ट ए टी, ठीक है जी, लगाने हटाने की। यहाँ से दूसरा इसमें है फिल्टर, तो इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट से अलग बन जाती है, ऑल्ट एच एस एफ, ऑल्ट एच एस एफ, ठीक है जी। बड़ी सारी कंट्रोल शिफ्ट एल मैं यूज करता हूँ, और मेरे ख्याल से पुरानी वाली जो है वो ऑल्ट डी एफ एफ है, पुरानी वाली मतलब 2003 की, वो भी चलते हैं शॉर्टकट कुछ इसमें, ठीक है जी। तो एक ही चीज के कई कई शॉर्टकट हो सकते हैं, 2003 का बंद ही क्यों नहीं कर देते? इसका लाइसेंस ही खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते, बंद तो करा हुआ है, लोग यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमने कर लिया डेटा बना लिया, तो अब सॉर्टिंग की बात करते हैं। जैसे हम सॉर्ट करते हैं तो मान लीजिए नाम से सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे सॉर्ट के ऑप्शन में आता है सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, अल्फाबेटिक सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो ए टू जेड सॉर्ट किया मैंने, बस मैंने क्लिक कर रखा है, वो सारा इकट्ठे डाटा आपका होगा, ठीक है, सॉर्ट जेड टू ए। पर कभी आप सिलेक्ट करके करते हैं ना ये सॉर्ट ए टू जेड, अब ये पूछ रहा है सिलेक्शन को बढ़ा दूं क्या, सब पे करना है कि खाली इसी कॉलम पे करना है, ठीक है जी। हाँ, अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करूंगा तो खाली ये होगा, बाकी का डेटा नहीं होगा, ठीक नहीं, है जी।
ये आपका सॉर्टिंग फिल्टर होता है, ए टू जेड इसमें दिखा रहा है, जब आप नंबर सिलेक्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखाएगा, डेट सिलेक्ट करेंगे ओके तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट दिखाएगा, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, हर एक हर एक किसी पे क्लिक करिए। डेट पे अगर मैंने क्लिक किया तो मतलब इसके ऑप्शन जो है ना डेटा के हिसाब से बदलते रहते हैं, टेक्स्ट क्या लगाते हैं, डेट क्या लगाते हैं, नंबर क्या लगाते हैं, ठीक है जी। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में ऐसे कर देगा, न्यूएस्ट ओके टू okay. तो जैसे कॉलम ए में अपन ने चेंज मारा, शॉर्ट कॉलम ए से शॉर्ट किया, तो हाँ कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी में भी साइमल्टेनियसली चेंजेस आ रहे हैं। हाँ चेंजेस होंगे, वो जो ना कंट्रोल ए के दायरे में आएगा उस पर इकट्ठे अप्लाई होंगे, ठीक अप्लाई होगा। ओके ओके ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड डेटा साथ में ले जाएगा, जी ठीक है। तो ये तो सिंगल शॉट जी था, मान लीजिए हमारे पास एक और कस्टम शॉट है। हम कस्टम शॉट में क्या होता है कि आप मल्टीपल सॉर्टिंग लगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभी ये हमारे पास आ रहा है और इसमें आपके हेडिंग्स आ जाती हैं जो भी, ठीक है जी। तो मान लीजिए जो हेडिंग्स नहीं आ रही हैं तो ये वाला ऑप्शन अनचेक होता है कई बार, ऐसे कॉलम ए बी सी आता है तो माई डेटा ओके हेडर, ओके आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास हेडर्स हैं, कई बार नहीं आता है, यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब सॉर्ट करते हैं, मैं चाहता हूं कि नेम वाइज सॉर्ट करूं, तो नेम पहला ले लिया, ए टू जेड में नेम सॉर्ट करने, देन मैंने लेवल किया कि एक फिर सिटी मैंने ए टू जेड में सॉर्ट कर ली, और फिर मैंने सेल्स को क्या किया, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया, ठीक है जी। तीन लेवल की सॉर्टिंग, सबसे पहले नेम सॉर्ट होगा, फिर एक नेम के अंतर्गत जितनी भी सिटीज होंगी वो सिटी सॉर्ट हो जाएंगी, फिर एक सिटी के अंदर जितनी भी सेल्स होगी वो एक सिटी वाली वो सॉर्ट हो जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं हरीश है यहाँ पूरा, तो हरीश की सारी सिटीज दिखा रहा है यहाँ, और फिर उसमें था कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो दिल्ली की देखें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है ये जी। भी रिलेटिव काइंड ऑफ है। हाँ तो इस तरह के सॉर्ट में जो है कितने लेवल आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप करते जाएंगे आपके पास 150-200 कॉलम है, आप करते गए लेवल वाइज करते हैं, सिर्फ 64 कॉलम तक कर सकते हैं। 64 हाँ 64 लेवल तक आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वही है लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशन, मैंने बताई होंगी एक्सेल की, अगर नहीं बताई तो दोबारा बता देता हूँ। F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर डालेंगे लिमिट्स, एक्सेल की जो लिमिट्स हैं एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट, इसके अंदर आ जाएंगे कि कितनी ओपन वर्क बुक हो सकती है, वर्कशीट का साइज क्या होता है, कॉलम विड्थ कितनी होती है, रो हाइट कितनी हो सकती है, पेज ब्रेक कितने आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 32,767, शीट कितनी हो सकती है, डिफॉल्ट इस 3 शीट डिफॉल्ट बता रहा, कलर कितने तरह के यूज होते हैं, यूनिक सेल फॉर्मेट, सेल स्टाइल कितने होते हैं, तो इस तरह से इनकी देखिए फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब फिल्टर में आप 1 लाख का यूनिक डेटा है तो वो फिल्टर में नहीं आएगा, आपके 10,000 की लिस्ट आएगी खाली, हाँ तो ये इसकी लिमिटेशन है, कहीं भी अटके तो इसकी लिमिटेशन को एक बार जांच ले। यहाँ पे तो लिमिटेशन हम नॉर्मल एक्सेल सीखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब वीबीए चलाएंगे तो वीबीए अनलिमिटेड होता है, उसको आप कहीं तक कोड से दौड़ा सकते हैं, तो उस समय हमें लिमिट का पता होना जरूरी है, क्योंकि हम कोई कर रहे हैं एरर आ रही है, मतलब 255 शीट अलाउड है, 256 शीट अलाउड है, हम 257 भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो होगी नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से इसमें लिमिट्स दी हुई है एक्सेल की, क्या क्या लिमिट है, इसको एक बार मतलब रटना नहीं है, बस दिमाग में रखिए कि कहाँ होता है, पढ़ने पर देखिए, ठीक है जी। तो कस्टम शॉर्ट में बेसिकली क्या होता है कि कई तरह से कस्टम शॉर्टिंग कर सकते हैं, किस किस पे कर सकते हैं। अब यहां से मैं डिलीट लेवल भी कर सकता हूँ, एक एक लेवल डिलीट कर दिया,
हेड लेवल करने से आ जाती है। अब इसमें यहाँ तो हेडिंग है, दूसरा हम सॉर्ट किस आधार पे कर रहे हैं, वैल्यूज पे, सेल कलर्स पे, फॉन्ट कलर पे, सेल आइकॉन्स पे। मान लीजिए सेल कलर मैंने कुछ ऑडिट किया और देखा कि हम कुछ गड़बड़ है, ऐसे करते करते कलर करता चला गया। अब मैं चाहता हूं कि ये कलर वाले सीधे सॉर्ट हो जाए एक साथ, तो मैं कस्टम सॉर्ट पे जाके मैं बाकी डिलीट कर देता हूँ। सेल्स में सेल कलर के बेस पर सॉर्ट करना है और सेल कलर जितने अवेलेबल होंगे वो यहाँ आ जाएंगे आपके। येलो है, आपको टॉप पे रखना है, उसको बॉटम पे रखना है, तो सबसे ऊपर रखना है, ओके कर दो। ठीक है जी, येलो वाले सबसे ऊपर आ गए। पर मान लीजिए दो तीन तरह के मैंने कलर यूज किए कि एक में कुछ गड़बड़ था और एक में मुझे डाउट है, तो मैंने दो कलर यूज किए इसमें। इसमें कुछ और प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, सबसे ऊपर येलो वाला रखना है, उसके नीचे ये ऑरेंज वाला रखना है, ये प्रॉब्लम। कस्टम सॉर्ट पे जाऊंगा, सेल्स था, सेल्स को सेल कलर के बेस पे मैंने कहा येलो वाले ऑन टॉप, देन एड लेवल किया फिर से सेल्स, उसी को ही दो बार भी आप रूल लगा सकते हैं, सेल कलर और ये, इसको भी ऑन टॉप किया। चाहूं तो सबसे ऑन बॉटम पे कर सकता हूं, पर ऑन टॉप किया तो सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी होगी, मतलब जो फर्स्ट होगी उसको येलो रखेगा, बाकी उसके नीचे टॉप पे कर देगा। ठीक है जी, तो ओके करूंगा, पहले येलो वाले आ गए, फिर अपने ये ऑरेंज वाले आ गए। ठीक है, इसी तरह से काफी कई लेवल तक हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सेल कलर की तरह ही फॉन्ट कलर होता है, सेल कलर की तरह ही फॉन्ट कलर है, सेम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मतलब फॉन्ट कलर आपने चेंज कर रखा है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं आईकॉन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि आईकॉन्स यूज करते हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो आईकॉन के बेस पे भी सॉर्ट कर आईकॉन कैसे, ये जो राइट एक्सलामेशन क्रॉस लगा रखे हैं ना मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, तो हम आईकॉन के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं सेल्स बेस्ड ऑन सेल आईकॉन। अब सेल आईकॉन जितने भी होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, मैंने कहा राइट वाले टॉप पे रखने, देन एड लेवल, और मैंने कह दिया कि जो क्रॉस वाले हैं वो बॉटम में रखने, तो बीच में अपने आप बाकी एक्सक्लेमेशन वाले आ जाएंगे। ओके करूंगा, सेल आइकन इसके सॉल्व। ठीक है जी, पहले राइट वाले, बीच में एक्सक्लेमेशन, और एंड में आपके क्रॉस आ जाएंगे। ठीक है जी, तो सेल आइकन के बेस पे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मंथ लिखा, मंथ कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ अपना यहाँ से डेट का रेफरेंस लिया और फॉर्मेट दे दिया MMM। ठीक है जी, MMM ये कर, मंथ आ गया मेरे पास लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ मंथ के बेस पे सॉर्ट करना है, अब बताएंगे अगर मैं मंथ के बेस पे सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा। मंथ के बेस पे शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ मैं जनवरी फरवरी चाहता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से। नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी क्या, वहां पर जाके कॉलम सेलेक्ट नहीं है कर रहे हैं, तो ए टू जेड या जेड टू ए आ रहा है, ए टू जेड करेंगे तो सबसे पहले अप्रैल आएगा, फिर अगस्त आएगा, ओके दिसंबर आएगा, अल्फाबेटिक हो जाएगा ना, पर हमें चाहिए जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी ओके। अब ये कहां से फंसेंगे, कैसे करेंगे, आइडिया है कुछ? सो काउंट नहीं करा सकते 1 2 3 से? नहीं मान लीजिए ऐसा है, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ कराने के, तो बहुत तरीके हैं, जुगाड़ तो हम लोग यूज करते हैं, पर एक्चुअली कैसे करते हैं।
देखिए यहाँ पे जो है ना आपके जो वैल्यूज है ना, सॉर्ट ऑर्डर वैल्यूज, ऑर्डर यहाँ से चूज करते हैं हम लोग कि ए टू जेड करना है, जेड टू बी करना है। तीसरा ऑप्शन है कस्टम लिस्ट का। अब कस्टम लिस्ट का आपको पता है, मैंने आपको दिखाई थी। अब इसमें मेरे पास जनवरी फरवरी का डाटा पहले से ही सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, ओके तो जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया। जो कस्टम लिस्ट है ये प्री डिफाइंड है बाय अस। हाँ कस्टम लिस्ट में जनवरी फरवरी संडे वनडे तो पहले से पड़ा होता है। मान ओके लीजिए ओके का मैंने कोई वो डेजिग्नेशन डाल दी इनकी, इन बंदों की, कि एक मैनेजर है, एक वो है वीपी है, एक जीएम है। तो मुझे क्या करना है, वीपी को सबसे ऊपर रखना है और एग्जीक्यूटिव को सबसे नीचे रखना है, ठीक है जी। कंडीशन मतलब मुझे अपने हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए, है ना। ऐसा कभी काम आता है तो हम मैन्युअली ऊपर नीचे ही करते रहते हैं बस, ठीक है। और डेटा ज्यादा हो तो फिर हालत खराब कर देगा। जैसे ऊपर ये वाली शॉर्टिंग वाली डेट पे लग सकती है क्या, सीधे डेट पे? क्योंकि आपने अभी तो केवल मंथ बस लिया, क्या चीज, ये वाली जो शॉर्टिंग आपने लगाई अभी हाँ मंथ पे, सेम शॉर्टिंग डेट पे लग सकती है? किसी को भी जिसको आप सॉर्टिंग मतलब, ये तो मैं टेक्स्ट सॉर्ट करके दिखाया है। डेट पे करेंगे तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट तो आता ही है पहले से। ओके ओके कस्टम सॉर्ट है मतलब कि कस्टम आप, पर मेरे को ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट न्यूज नहीं करना है, उसी कॉलम पे जनवरी फरवरी करना है तो नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे तो जनवरी फरवरी अपने आप ये हो रहा है, पर तरीका यही है जो मैंने नहीं, पर बताया। जनवरी फरवरी हो रहा है, पर ओल्डेस्ट न्यूज मतलब जनवरी 2001 दिखाएगा, फिर फरवरी 2001 दिखाएगा, और जनवरी 2000 फिर 14 दिखाएगा ना, ऐसा आएगा ना जब ओल्डेस्ट में यूज ऐसे करेंगे? नहीं हाँ होगा, तरीका यही है। ओके ओके, जनवरी जनवरी पहले दिखा देगा, फिर फरवरी फरवरी लेगा, ऐसा है? हाँ तो और ये फिर हाँ ओल्डेस्ट में यूज का कॉन्सेप्ट ही सही सही न... मतलब वो है नहीं पूरी तरह से इसमें, ठीक है जी। तो इसी तरह से जुगाड़ करके करना पड़ता है, मतलब जो मैंने बताया। अब जैसे डेजिग्नेशन का मैंने बताया कि सबकी डेजिग्नेशन मैंने डाल दी। अब डेजिग्नेशन करना है तो कस्टम लिस्ट से मैंने चूज कर लिया, यहाँ डेजिग्नेशन मैंने यहाँ डाल रखी है, तो इस लिस्ट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। ऑफिसर, वीपी, जीएम, डीजीएम, ठीक है जी, अपने हिसाब से ये सॉर्ट हो गया। ऑफिसर सबसे ऊपर लिख रखा है, जैसा उस लिस्ट में होगा उसी लिस्ट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सॉर्टिंग है। अब चलते हैं फिल्टर देखते हैं। फिल्टर आपका हर एक जो होता है वो अलग अलग होता है। जिस तरह से मैंने सॉर्टिंग में वेरिएशन दिखाई तो इसी तरह फिल्टर में भी वेरिएशन है। फिल्टर में जब यहां करेंगे तो आपका डेट फिल्टर आएगा, यहाँ लिखा हुआ। टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट फिल्टर लिखा हुआ आएगा, और नंबर होगा तो नंबर फिल्टर लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। इनके साथ ही ऑप्शन आपके अलग अलग बदल जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट वाला फिल्टर, ये क्या क्या कर सकता है। किसी में करंट डेट भी डाल देता हूँ, वो वाले ऑप्शन वैसे ही चलेंगे। तो डेट का फिल्टर में क्या होता है कि जब आप यहाँ से सबसे पहले ईयर को कंसोलिडेट कर देता है, ईयर आ गया आप, अब यहाँ से प्लस खोलेंगे तो उसके अंदर वाले मंथ आ जाएंगे, ठीक है जी। बाहर होंगे तो उसमें डेट्स होंगे, तो खोलेंगे तो इसके अंदर डेट्स आ जाएंगे जो उस मंथ, लेट ठीक हो जाएंगे। है जी। तो मान लीजिए आपको एक फाइनेंशियल डेटा निकालना है अप्रैल 13 से मार्च 14 तक का, ठीक है जी। क्या करेंगे, ऊपर से अनचेक कर दिया अप्रैल 13 से, तो अप्रैल 13 यहां से मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया, ये 3 हटा दिए, अप्रैल से सिलेक्ट हो गया ये डाटा।
देन 14 वाले में चला जाता हूँ, वहां मुझे चाहिए जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है जी। तो ये एक साल का डेटा आपका फाइनेंशियल डेटा आ गया, ठीक है जी। तो ये तो तरीका है। और दूसरा, डेट फिल्टर में ये जो ईयर अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, अगर इसमें गलत डेट पड़ी होगी तो भी नहीं उसको लेगा, उसको सबसे नीचे दिखा देगा। तो ये भी चेक कर सकते हैं कि डेट सही पड़ी है गलत पड़ी है, क्योंकि कई लोग अपने अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं गड़बड़ डेट डाल देते हैं, कोई भी गलत गड़बड़ डेट डाल देते हैं। जैसे किसी ने कर दिया 20/3/14, इस तरह से डेट डाल दी, अब तो ये डेट है नहीं। तो ऐसी डेट्स को क्या करता है, ये यहाँ दिखा देता है सबसे लास्ट में। तो अगर आपको ऐसी ठीक करनी है तो इसको आपको अलग से करके करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको भी सही करने का तरीका है कि मान लीजिए बहुत सारी डेट ऐसी पड़ी है, ठीक है जी, डे पहले दे दिया, मंथ बीच में दे दिया, ईयर बाद में दे दिया, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट करके आप यहां से कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम है ना, डाटा में टेक्स्ट टू कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पे आपका आ जाएगा। यहां से डेट सिलेक्ट कर लीजिए, अभी MDY दिखा रहा है, तो इसको DMY दे दीजिए कि डेट मंथ ईयर, ये इसको उस हिसाब से उस फॉर्मेट में चेंज कर देगा और 20 मार्च 2014 आ गया, ठीक है जी। डेट अपने आप सही हो गई, ठीक है जी। किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो डेट में हो ना हो, आप ऐसे कर सकते हैं। जी। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, डेट फिल्टर। तो डेट फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन आपके इधर खुलते हैं, यहाँ इक्वल्स, इक्वल्स में क्या होता है, कोई भी आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके बराबर जो जो हो वो फिल्टर कर दिया, ठीक है जी। दूसरा है बिफोर, बिफोर मतलब उससे पहले वाली, इस डेट से पहले वाली, इसकी 17 दिसंबर 2001 से पहले वाली डेट दिखाए, तो ये हो तो सकता बिफोर आपने राइट क्लिक कर लिया है क्या? है। नहीं, इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ये इस पे आएंगे तो आगे ऑप्शन हाँ, दिखाएंगे, ओके ओके। ठीक है। बिफोर की तरह ही आफ्टर है कि किसी डेट के बाद वाली, 12 जनवरी के बाद वाली डेट आ गई, ठीक है जी। देन बिटवीन, बिटवीन में दो डेट दे सकते हैं कि जैसे मैंने जैसा कि बताया था 1 अप्रैल 13 से 2013, हाँ 31 मार्च 2014 के बीच का डेटा आ गया, यहाँ किया पूरे साल का डेटा अपने आप आ गया, ठीक है जी। ज्यादा कुछ मंत्र घुमाने की जरूरत नहीं। टुमारो, कल आने वाला, अगर टुमारो की डेट होगी इसमें तो ये फिल्टर कर देगा, टुडे आज की डेट है, कर दिया इसने। यस्टरडे, बीती हुई डेट, नेक्स्ट वीक, आगे आने वाले हफ्ते में कोई भी डेट्स होंगी तो वो दिखा देगा, उसका रिकॉर्ड दिखा देगा। दिस वीक, इस हफ्ते वाली दिखा रहा है, लास्ट वीक, पीछे बीते हुए हफ्ते की दिखा रहा है, नेक्स्ट मंथ, आने वाले महीने की, दिस मंथ, लास्ट मंथ से मैं, नेक्स्ट क्वार्टर, अगले आने वाले क्वार्टर की, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है जी। दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर सेम है, दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के बारे में दिखाएगा, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट क्वार्टर ऐसे ही बीता वो पीछे वाला क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर अगले साल की, दिस ईयर कर देंगे इस साल की, लास्ट ईयर पिछले साल की, और ईयर टू डेट होता है कि जैसे 2014 चल रहा है तो 1 जनवरी 2014 से लेकर आज तक की डेट, ठीक है जी।
आज तक की डेट की, उसके बाद ऑल डेट्स इन पीरियड। तो जैसा आप कह रहे थे ना कि जनवरी फरवरी वगैरह, वो सॉर्ट नहीं हो सकता पर फिल्टर हो सकता है कि यहां से जनवरी चूज कर लिया, सारी जनवरी आ गई। ठीक है जी, सारे मंथ हैं कोई भी चूज कर सकते हैं। क्वार्टर वन, क्वार्टर वन हर एक ईयर का क्वार्टर वन, ठीक है जी, जनवरी फरवरी मार्च का। तो ये इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं डेट के। अब देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में क्या होता है, इक्वल्स इक्वल सेम रहता है सबके लिए, तो ये एक चीज देंगे उसको फिल्टर कर देगा। ठीक है, डज नॉट इक्वल कि जो इसको छोड़ के बाकी सारा डेटा दिखा दे वो दिखा देगा। बिगिंस विद, मैंने कहा बिगिंस विद एस से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले, तो एस वाले इसने दिखा दिए सारे। एंड्स विद, मैंने कहा एच जिनके एंड में हो वो दिखाए, तो एच वाले सारे दिखा दिए, एंड में जिनके एच था उसका, हरीश महेश। देन कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब है जिनके बीच में हो, डबल ई डाल दिया मैंने तो संदीप संदीप डबल ई बीच में, कहीं भी हो सकता है आगे पीछे बीच में। डज नॉट कंटेन, जहां ऐसा ना हो उसको छोड़ के, तो इनमें किसी में डबल ई नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके जो होगा टेक्स्ट फिल्टर होगा। देन इसके बाद है अपने पास नंबर फिल्टर। नंबर में क्या है, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सेम है, ग्रेटर देन 50 से बड़े वाले, 50 से बड़े वाले फिल्टर होगा। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और उसके बराबर वाले, तो 50 भी आएगा उसके बराबर वाला भी आएगा, उससे बड़ा भी आएगा और उसके बराबर का भी। लेस देन इक्वल टू सेम है, बिटवीन दो नंबर के बीच में 30 से 50। ठीक है, 30 से 50 के बीच की वैल्यूज। टॉप 10, अब टॉप 10 आइटम परसेंटेज जो कल बताया था वो सेम है ऐसा, टॉप बॉटम यहां से चूज कर सकते हैं, 10, 20 जो मर्जी जितने चाहिए वो उतने फिल्टर हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम वाले बॉटम वाले, अबव एवरेज एवरेज से अबव वाले फिल्टर हो जाएंगे, बिलो एवरेज एवरेज से बिलो वाले फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फिल्टर इधर काम करते हैं। इनके अलावा एक होता है अपने पास कस्टम फिल्टर। ठीक है जी, कस्टम फिल्टर सबके लिए सेम है, उसमें सारी चीजें हैं, वो तो प्री डिफाइंड था, अब इसमें आप अपने मन से बड़ा छोटा वो सब कर सकते हैं, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, बिगिंस विद डज नॉट बिगिन विद, एंड विद डज नॉट एंड विद, कंटेन डज नॉट कंटेन, इस तरह के सब सारे ही फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा ये है एंड और है और एक और है, तो मतलब आपको दो फील्ड देता है सेम चीज के लिए। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे बिटवीन का हम लगाते हैं, तो बिटवीन में क्या होता है, एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, 30 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, या 50 से छोटा हो और उसके बराबर हो। ठीक है जी, अब बिटवीन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए एक ही सेल के लिए, कि मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आ रही है 30 से 50 के बीच में ही होनी चाहिए, तो मतलब 30 से के बराबर हो या बड़ी हो, और या 50 के बराबर हो या उससे छोटी हो, तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो इसके लिए एंड लगाते हैं। ठीक है जी, इनमें से चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो और पे क्लिक करते हैं, तो बिटवीन के लिए हमेशा एंड लगता है। ठीक है जी, अब इस पे देखें तो ये 30 से बड़ा है और 50 से छोटा है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। और कहां लगाते हैं, जैसे कि यहां से मैंने ले लिया,
कस्टम फिल्टर, अब मैंने कहा इक्वल टू महेश हो और इक्वल टू हरीश हो, तो अगर अभी एंड है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, या तो महेश होगा या तो हरीश होगा एक सेल में, ठीक है जी। तो इस केस में यहाँ पे और लगाएंगे, अभी एंड करके कर दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट, ठीक है जी। तो इस केस में यहाँ पे और करते हैं जब दोनों में से कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो ये मीट हो जाए या तो ये, या तो महेश हो या तो हरीश हो, ठीक है जी। तो हरीश और महेश दोनों का डाटा आ गया, ठीक है जी। एंड और तो ये था हमारा फिल्टर एंड सॉर्टिंग। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। इसमें तो नहीं है सवाल।